Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 7 of complex analysis by Denizel solutions. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की इस लेक्चर के कंटेंट में हम एक्सरसाइज नंबर 1.3, क्वेश्चन नंबर 1 to 12 को डिस्कस करेंगे। इन प्रॉब्लम्स 1 to 10 राइट द गिवन कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। यहाँ पर 1 to 10 क्वेश्चन में हमने कम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग थीटा इज नॉट इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ सेड एंड देन यूजिंग थीटा इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ सेड। यानी थीटा की यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक सिंपल आर्गुमेंट ऑफ सेड आएगा थीटा और दूसरी हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ सेट आएगी। तो थीटा की यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज आने, तो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है ये हमारे पास क्या होता है, ये माइनस पाई से पाई के दरमियान होता है, ये यूनिक वैल्यू होती है। लेकिन जो आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है सिंपल थीटा होता है उसकी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है इस भी एक कम्प्लेक्स नंबर के लिए। लेकिन जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा वो क्या होगी, एक ही वैल्यू होगी और वो क्या होगी, यूनिक वैल्यू होगी। तो इस कंसेप्ट के बारे में आप प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम इनकी क्वेश्चंस ही डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक कम्प्लेक्स प्लेन है और इसमें ये कोई हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी और ये हमारे पास कोई ओरिजिन है। ओरिजिन से स्टूडेंट्स हमारे पास इस कम्प्लेक्स नंबर तक का जो डिस्टेंस है उसको हम किसे शो करते हैं, आर से शो करते हैं। यानी अगर आप ओरिजिन से इस कम्प्लेक्स नंबर तक का डिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो आप क्या लेते हैं, इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेते हैं। ठीक है, तो जब आप मॉड लेते हैं तो आपके पास क्या आता है, डिस्टेंस आता है फ्रॉम ओरिजिन टू दैट कम्प्लेक्स नंबर और इसको हम लिखते हैं सिंपल जेड का मॉड और जेड का मॉड किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल, आर के इक्वल। और यहाँ पर जो ये है स्टूडेंट्स, ये जो एंगल बना रहे हैं ठीक है एक्स एक्सिस के साथ या रियल एक्सिस के साथ जो भी कम्प्लेक्स नंबर होगा उसको हम कहते हैं स्टूडेंट थीटा कहते हैं या थीटा आर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो होगा ये डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास ए है और ये कोई बी है। यानी जो बी है स्टूडेंट्स तो देखें ये अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ ये कोई -2 iota ये कोई कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, या इसको आप कह लें कि 3 - 2 iota। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 3 है ये इसका जो हमारे पास है यानी रियल एक्सिस है और जो -2 iota है ये इसका क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है। यानी यहाँ पर ये जो अब देखें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो ए होगा यानी ये हम इमेजिनरी एक्सिस लेंगे ये वाला, देखिए माइनस ये -2 iota है तो इसको अगर आप ड्रॉ करते जाएंगे यहाँ तक और अगर आप इसको फॉर एग्जांपल 3 समझें इस पॉइंट को तो ये अब पॉइंट बनेगा 3 - 2 iota। तो अगर मैं 3 - 2 iota का मॉड फाइंड करूं यानी इसका ओरिजिन से डिस्टेंस तो वो हमारे पास क्या होगा, आर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखें आर किसके इक्वल आता है, ये 3 का स्क्वायर 9 यानी हम कह लेते हैं कि 3 का स्क्वायर लेते हैं फिर प्लस यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी और यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास 2 है तो 2 का यहाँ पर स्क्वायर ले जाते, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऊपर क्या हम डालते हैं होल स्क्वायर रूट और ये बन जाता है 9 प्लस क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा अब हमारे पास 13 स्क्वायर रूट। तो ये अब ये जो 13 स्क्वायर रूट है ये अब इक्वल आता है आर के और ये इस आर को शो कर इन ओरिजिन से इस कम्प्लेक्स नंबर तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो अब हमारे पास जो
हाँ हमारे पास होती है पोलर फॉर्म होती है, वो क्या होती है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की, तो हम जेड लिखते हैं, जेड इज इक्वल टू, ये जेड कोई कम्प्लेक्स नंबर है, अब यहाँ पर उसकी पोलर फॉर्म लेके जा रही है, तो ये होता है आर इन टू कॉज ऑफ थीटा प्लस एटा साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। तो देखें यहाँ पर जो r है स्टूडेंट्स, ये जैसे कि यहाँ पर मैंने फाइंड किया है इस कम्प्लेक्स नंबर के लिए, ये r की वैल्यू होती है यहाँ पर स्टार्ट में, ये r होते हैं ठीक है, और जो थीटा स्टूडेंट्स ये इस एंगल को शो कर, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल कहता हूँ ये माइनस फाइव बाई थ्री ये एंगल बना रहा है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि ये कोई ये एंगल बना रहा है थीटा माइनस फाइव बाई थ्री, या आप सिंपल कह लें कि कोई और एंगल आप कह लें, या अब हमारे पास इसको हम कह सकते हैं कि माइनस सिक्सटी डिग्री आप समझ लें, कोई भी एंगल आप कंसिडर यहाँ पर कर लें, तो ये हमारे पास क्या होगा थीटा होगा, ये थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जो भी आप थीटा फाइंड करेंगे ठीक है। तो यहाँ पर ये अब जो भी कम्प्लेक्स नंबर होगा उसकी पोलर फॉर्म में स्टूडेंट्स ये आर भी हमें फाइंड करना पड़ेगा और थीटा भी फाइंड करना पड़ेगा। तो थीटा हम कैसे फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल ये कोई हमारे पास ट्राइंगल है, ये कोई ट्राइंगल ठीक है, देखें ये भी ट्राइंगल बना रही है यहाँ पर, अगर आप ये देखें तो ये भी एक ट्राइंगल बन रही है हमारे पास। तो उस सूरत में हम थीटा कैसे फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमें कोई थीटा फाइंड करते हैं ठीक है। तो देखें स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या होता है, इसको अब x ये क्या होता है y और ये क्या होता है r ठीक है। तो जो tan थीटा होता है, अब देखें tan थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, tan थीटा वो हमारे पास इक्वल होता है y ओवर x के ठीक है, यानी ये y लेते हैं ओवर x, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है tan थीटा के। यहां से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं by using tan इनवर्स, tan इनवर्स y ओवर x, यहां से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमें स्टूडेंट्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें r की भी जरूरत होगी और थीटा की भी जरूरत होगी। थीटा आप इस तरह फाइंड करेंगे by using tan इनवर्स y ओवर x, और r आप इस तरह फाइंड करेंगे जिस तरह ये हमने पहले फाइंड किया है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। आर स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, ये उसकी मॉडुलस होगा, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो भी आप फाइंड करेंगे वो हमारे पास क्या होगा आर के इक्वल होगा, यानी आर क्या शो कर रही है मैग्नीट्यूड को शो कर रही है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो अब देखिए ये कम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा ठीक है। अब यहाँ पर इसकी आर्गुमेंट की डिफरेंट वैल्यूज, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी प्रीवियस स्लाइड में भी ये कहा है कि जो आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है यहाँ पर जो समा ले आता है, तो इसके लिए ये किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं, लेकिन जो कैपिटल ए से स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, वो हमारे पास क्या होती है यूनिक वैल्यू होती है, वो हमारे पास किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की सिर्फ एक ही वैल्यू होती है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। लेकिन जो सिंपल आर्गुमेंट ऑफ जेड जिसको हम थीटा कहते हैं वो कम्प्लेक्स नंबर की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है। तो यहाँ पर ये कम्प्लेक्स नंबर है और इसके लिए आप देखें ये आर्गुमेंट ऑफ जेड, यानी ये यहाँ पर जो थीटा है वो हमारे पास क्या बना रहा है, ये फाइव बाय फोर बना रहा है ठीक है। तो देखें यानी उसने ये फाइंड किया है इस कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट ऑफ जेड बाई यूजिंग टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स इस फॉर्मूले से, तो ये हमारे पास क्या आता है फाइव बाय फोर आता है। देखिए अगर आप क्योंकि ये वाई भी वन है और एक्स भी वन है, तो ये बन जाएगा वन, तो टेन इनवर्स वन क्या होता है फोर्टी फाइव डिग्री यानी फाइव बाय फोर,
यानी 10 इनवर्स जो 1 होता है, ये हमारे पास क्या होता है 45 डिग्री, इसको हम कहते हैं पाई बाय 4। ठीक है, यहाँ पर ये पाई बाय 4 इस तरह आया। ये अब देखें, अगर यही नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में अलाई करें, जिस तरह ये है जेड इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब ये नंबर्स क्या हो रहा है, यही सेम कम्प्लेक्स नंबर है, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में अलाई कर रहे हैं, तो उस सूरत में अब ये जो थीटा होगा, ये वाला थीटा, ये अब इक्वल हो जाएगा 3π/4। देखें एक ही, अब ये इस कम्प्लेक्स नंबर के लिए एक ये वैल्यू आ सकती है। ठीक है, जब हम आर्गुमेंट ऑफ जेड की बात करते हैं इस कम्प्लेक्स नंबर की, इसके लिए एक और वैल्यू आ सकती है कि आप पाई बाय 4 में 2π को ऐड कर दें, ये वैल्यू आ सकती है। ठीक है, इस तरह आप पाई बाय 4 में 4π ऐड कर दें, तो ये भी, अब देखें अब जो भी होगा, यानी ये पाई बाय 4 प्लस 4π 2π, ये सारी की सारी इस कम्प्लेक्स नंबर के लिए आर्गुमेंट ऑफ जेड होंगे। लेकिन इस कम्प्लेक्स नंबर के लिए जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा वो सिर्फ यही पाई बाय 4 ही होगा। इसके अलावा ये सारी अब जो हमने वैल्यूज देखी हैं, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड में नहीं आती। तो अगर हमने इस कम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड फाइंड करना हो, तो वो सिंपल ये आता है पाई बाय 4, इसके अलावा ये सारी वैल्यूज नहीं आती। लेकिन अगर हमने ये सिंपल आर्गुमेंट ऑफ जेड फाइंड करना हो, तो ये इसके लिए ये सारी वैल्यूज हो सकती हैं। अगर आप पाई बाय 4 प्लस 6π लिख लें, तो ये भी इसी कम्प्लेक्स नंबर की आर्गुमेंट ऑफ जेड आ सकता है, यानी सिंपल थीटा, इसको आप सिंपल थीटा भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं, यानी स्मॉल जब यहाँ पर ए हो, यानी आर्गुमेंट ऑफ जेड के, लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड के लिए सिंपल ये सिर्फ एक ही वैल्यू आती है, इसके अलावा बाकी वैल्यूज ये नहीं आती, ये यूनिक वैल्यूज होती है। अब देखें, अब अगर यही कम्प्लेक्स नंबर अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाए, तो उस सूरत में देखें अब ये एंगल भी चेंज हो गया। ठीक है, तो एंगल अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आपने क्या करना है कि पाई माइनस थीटा करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये पाई है, तो अब हम क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप क्या करेंगे, इस पाई में से जो भी थीटा होगा अगर आप इसको माइनस कर देंगे, तो हम कहाँ आ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में हो, तो आपने क्या करना है कि पाई माइनस थीटा यूज करना है उसी कम्प्लेक्स नंबर के लिए। यानी अगर आपको कोई कम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, जब आप उसका आर्गुमेंट ऑफ जेड फाइंड करेंगे, या सिंपल अगर आप उसकी पोलर फॉर्म फाइंड करेंगे, हम यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ जेड की बात कर रहे हैं, तो अगर एक ही कम्प्लेक्स नंबर, ये अब देखें ये 1 प्लस आयोटा था, तो इसके लिए आर्गुमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाय 4 आता है आर्गुमेंट ऑफ जेड की वैल्यू। अगर यही नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाए, तो इसके लिए अब आर्गुमेंट ऑफ जेड की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट्स, ये 3π/4 आती है। ठीक है, तो उसके लिए हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है, पाई माइनस थीटा। ठीक है, आपने पाई में से जो भी थीटा हो, आपने वो क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो उस सूरत में आपको किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये कौन सा एंगल बन रहा है, 3π/4 बन रहा है। ठीक है, यानी आप पाई में से ये -π/4 करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आता है, 3π/4। इसी तरह अगर यही नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, तो उस सूरत में अब ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, अब ये किसके इक्वल होगा, अब ये होगा स्टूडेंट हमारे पास यानी ये अब थीटा माइनस पाई, यानी माइनस पाई प्लस थीटा के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें अब इस तरह भी आप कर सकते हैं, पाई प्लस थीटा भी कर सकते हैं आप इस क्वाड्रेंट में। अगर आपने सिंपल आर्गुमेंट ऑफ जेड फाइंड करना हो, तो उस सूरत में आप ये पाई प्लस थीटा भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ये यूज करते हैं, तो ये भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो यहाँ पर मोस्टली अब जो इन क्वेश्चन में मैं ये पाई प्लस थीटा ही यूज करूँगा।
किस वर्ष में भी स्टूडेंट हमारे पास क्या आता है, देखें अगर आप पाई प्लस थीटा करते हैं, यानी ये एंगल, अब यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, ये माइनस थ्री पाई बाय फोर बन रहा है, ये एंगल कौन सा बन रहा है, माइनस थ्री पाई बाय फोर। अगर आप ये यूज करते हैं कि माइनस पाई प्लस थीटा यूज करते हैं, अगर आप पाई प्लस थीटा यूज करते हैं तो उस सूरत में हमारे पास ये क्या आता है, तो ये आता है पाई प्लस पाई बाय फोर, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट अगर फाइव पाई बाय फोर के इक्वल, तो ये वैल्यू भी आ सकती है यहाँ पर जो हमने लिखा है माइनस थ्री पाई बाय फोर, तो उसकी जगह ये अभी इस फार्मूले के जरिए भी यूज कर सकते हैं आप, इस फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से आप कोई एक यूज कर सकते हैं। ये हम सिंपल थीटा फाइंड ही कर रहे हैं, थीटा ये डिफरेंट क्वाड्रेंट में आपको यहाँ पर ये वैल्यूज बताई जा रही है, ठीक। अगर यही कम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए तो उस वक्त में आपने क्या करना है कि थीटा इसके इक्वल आपने लेना है, आपने लेना है टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, सिंपल यहाँ पर ये माइनस आना था, ये माइनस टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, ये सिंपल बन जाएगा माइनस पाई बाय फोर, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, यानी माइनस टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, और आप ये भी यूज कर सकते हैं टू पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप ये दो डिफरेंट यूज कर सकते हैं, टू पाई माइनस थीटा भी यूज कर सकते हैं, यानी थीटा के लिए ये थीटा क्या है, सिंपल आर्गुमेंट ऑफ जेड है ये वाला, तो इसके लिए आप ये भी यूज कर सकते हैं टू पाई माइनस थीटा, तो मैं मोस्टली क्वेश्चन में ये यूज करूंगा टू पाई माइनस थीटा यूज करूंगा, अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है तो उसके लिए मैं ये यूज करूंगा टू पाई माइनस थीटा, इस थीटा को फाइंड करने के लिए, ठीक है। और इसे बिकॉज क्योंकि हम जो भी किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के लिए जो भी हम थीटा फाइंड करेंगे वो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलेगा, लेकिन हमने उस कम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग ही थीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो देखें अब यहाँ पर ये जो थीटा है, यहाँ पर ये थीटा, तो ये टू पाई माइनस थीटा भी आ सकता है, यानी ये आ सकता है माइनस पाई बाय फोर भी आ सकता है, जिस तरह ये किया हुआ है माइनस पाई बाय फोर, यह आ सकता है टू पाई माइनस थीटा भी आप ले सकते हैं, टू पाई माइनस थीटा, थीटा हमारे पास क्या है पाई बाय फोर है, तो आप ये भी ले सकते हैं एट माइनस वन सेवन पाई बाय फोर भी ले सकते हैं, ये डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो ये सिंपल आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है थीटा, इसकी डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में, लेकिन जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है वो सिंपल यूनिक वैल्यू। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर, अब हम ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में स्टडी करते हैं कि ये अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट को फाइंड करना हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सिंपल थीटा के इक्वल होते हैं, यानी नो चेंज, आप कोई चेंज नहीं करते फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रिंसिपल आर्गुमेंट में भी कोई चेंज नहीं करते, और जो सिंपल आर्गुमेंट होता है उसमें भी कोई हम चेंज नहीं करते, ये वही हमारे पास थीटा ही रहता है। लेकिन अगर आपने प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड फाइंड करना हो सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो आप ये यूज करेंगे पाई माइनस अल्फा, ठीक है, अल्फा ये कोई एंगल है, ठीक है, ये कोई फॉर एग्जांपल ये कोई हमारे पास था कम्प्लेक्स नंबर था, ये उसने अल्फा एंगल बना लिया, तो इसकी हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, इस कम्प्लेक्स नंबर फॉर एग्जांपल जेड का, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में उस वक्त में स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, हम पाई माइनस अल्फा यूज करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या यूज करेंगे माइनस पाई प्लस अल्फा यूज करेंगे, ये आपने याद रखनी है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने सिंपल माइनस अल्फा ही यूज करना है, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अगर आपने थीटा फाइंड करना हो सिंपल थीटा, तो उस वक्त में आपको यहाँ पर टेबल बना देते हैं, सिंपल थीटा, जब आपने सिंपल थीटा फाइंड करना हो, क्योंकि हमने दो ही वैल्यूज फाइंड करनी है, एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड फाइंड करना है, एक आपने सिंपल आर्गुमेंट ऑफ जेड फाइंड करना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही थीटा ही रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये बन जाएगा थीटा चेंज हो जाएगा पाई माइनस थीटा में,
थर्ड क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा ये टू पाई माइनस थीटा। ये हमने यूज करने हैं सिंपल थीटा के लिए। लेकिन अगर आपने प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड फाइंड करना तो आप ये यूज करेंगे, सेकेंड क्वार्टर में पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वार्टर में माइनस पाई प्लस अल्फा, ठीक है, और फोर्थ क्वार्टर में माइनस अल्फा, ये आपने यूज करना है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन अब करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि जेड इज इक्वल टू टू, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो हमारे पास क्या है, जीरो है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, जीरो। सिंपल हमें ये टू ही गिवन है, तो इसकी हम पोलर फॉर्म फाइंड करते हैं। तो देखेंगे अब ये z किसके इक्वल होता है, r इंटू कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले हम इसका r फाइंड करते हैं, r कैसे फाइंड करेंगे, यानी ये हम टू का स्क्वायर लेंगे प्लस यहाँ पर जो भी n नंबर होगा उसका स्क्वायर, फिर होल स्क्वायर, यानी हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। इस नाम ये मॉडुलस फाइंड करते हैं z का, हम वही प्रोसीजर यूज कर रहे हैं यहाँ पर, मॉडुलस ही फाइंड कर रहे हैं। तो मॉडुलस ही हमारे पास, यानी जो मैग्नीट्यूड होती है, यानी वो हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है ओरिजिन से उस कम्प्लेक्स नंबर तक। तो ये आर की यहाँ पर वैल्यू हमें क्या मिलती है, टू मिलती है। इस तरह अब हम थीटा फाइंड करते हैं, तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है, वाई ओवर एक्स, यहाँ से थीटा हमें मिलेगा टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। यहाँ पर देखें वाई की, ये वाई की वैल्यू है जीरो, और यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास क्या है, टू पाएंगे। ये जीरो ओवर समथिंग ये बन जाएगा जीरो, तो टेन इनवर्स जीरो हमारे पास क्या होता है, थीटा हमारे पास क्या होता है, जीरो हमारे पास। अब बिकॉज देखें ये जो कम्प्लेक्स नंबर था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी अगर आप इसको देखें, ये अगर फॉर एग्जाम्पल ये कोई कम्प्लेक्स प्लेन है, तो ये यहाँ पर कोई ये कम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये जेड इज इक्वल टू टू है, तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये कौन सा हमारे पास क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं कि जो थीटा होता है, ये सिंपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है, ये वही रहता है और प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी चेंज नहीं होता, ना ही ये हम थीटा चेंज करते हैं ना ही प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो, तो उसके लिए हम चेंजिंग करते हैं। अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है तो उसके लिए नो चेंज, यानी आप सिंपल थीटा भी वही लेते हैं और प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी वही लेते हैं। तो उस सूरत में अब ये जो कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होगी, ये जेड इज इक्वल टू टू, यहाँ पर ये हमें टू की वन था, तो ये इक्वल हो जाएगा आर, आर किसके इक्वल है, टू की इक्वल है एन टू कॉस जीरो डिग्री, यहाँ पर हमें थीटा क्या मिला है, जीरो मिला है, तो ये जीरो डिग्री प्लस आयोटा साइन जीरो डिग्री, यहाँ पर हमने थीटा की वैल्यूज पुट की है, ठीक है, ये हमने क्या पुट किया, थीटा की वैल्यूज पुट की है। तो अब ये हमारे पास इस तरह हमने ये क्वेश्चन हल किया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड क्वेश्चन है, तो देखें अब यहाँ पर हमें गिवन था z इज इक्वल टू माइनस टेन, यानी z इज इक्वल टू माइनस टेन, ये हमें गिवन था। तो इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं, z इज इक्वल टू माइनस टेन प्लस जीरो आयोटा। तो अगर हम इसको ड्रा करें कम्प्लेक्स प्लेन पर, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, माइनस टेन है, तो अब ये जो कम्प्लेक्स नंबर होगा, ये और ये लाइन बना रहा हूँ यहाँ पर, ये इस कम्प्लेक्स नंबर को शो करेगा, ठीक है, जेड इज इक्वल टू माइनस टेन। अब इसकी अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करें, यानी आर फाइंड करें, आर हमारे पास सिंपल ये टेन ही आता है, ठीक है, देखिए ये टेन यानी यूनिट्स क्या है, ये हमारे पास क्या है, इस साइड पर है, लेफ्ट साइड पर ये टेन यूनिट्स है, ठीक है, तो ये हमारे पास देखें ये टेन का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, तो ये हमारे पास टेन ही आता है जेड आर। अब हम थीटा फाइंड करते हैं, थीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स जीरो ओवर टेन। देखें यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या है, बस जीरो है, तो जीरो ओवर समथिंग जीरो, तो ये थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो डिग्री आ जाएगा, ठीक है, यानी
जो भी आप ये थीटा और आर फाइंड करेंगे ये हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही मिलेंगे। यानी अब जो भी हमने यहाँ पर थीटा फाइंड किया, ये थीटा हमें स्टूडेंट्स इस कम्प्लेक्स नंबर, यानी ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, वही कम्प्लेक्स नंबर है। आप यहाँ पर जेड इज इक्वल टू, अगर आप कहते हैं ये 10 है, यानी आप जो भी किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के लिए थीटा फाइंड करेंगे वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, ठीक है। लेकिन आपने जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा, यानी यहाँ पर हमें कम्प्लेक्स नंबर कौन सा गिवन है, माइनस टेन गिवन है, ठीक है, प्लस जीरो ये उठा, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी अब हमने ये थीटा फाइंड किया है 0 डिग्री, ये हमने फाइंड किया है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। हमेशा आपके पास जो भी आपके पास थीटा होगा ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, ठीक है। लेकिन आपने अपने कम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग ही थीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखें, बट जेड इज इक्वल टू -10 + 0 योटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको मैंने बताया था यहां पर थीटा किसके इक्वल होता है, पाई माइनस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। यहां पर थीटा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, थीटा इक्वल होता है पाई माइनस थीटा। तो ये बन जाएगा आप स्टूडेंट्स पाई थीटा, यहां पर क्या है 0 डिग्री, ये अब बन जाएगा पाई, सिंपल। तो यहां पर अब ये वाला जो स्टूडेंट हमारे पास होगा, यानी इसी कम्प्लेक्स नंबर को अगर हम इस तरफ रोटेट करें, यानी ये वाला फाइंड करना चाहें, ठीक है। ये हमने जो ये इस कम्प्लेक्स नंबर के लिए हमने फाइंड किया है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। इफ ये हमारे पास क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन हमारे पास जो रिक्वायर था, जो गिवन था कम्प्लेक्स नंबर, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। तो अब देखें ये वाला, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 0 डिग्री है, ठीक है। ये थीटा क्या है 0 डिग्री। तो जब आप ये वाला फाइंड करेंगे इस कम्प्लेक्स नंबर के लिए, अब ये बन जाएगा थीटा हमारे पास पाई बन, यानी सेकंड क्वार्टर में हम क्या यूज करते हैं पाई माइनस थीटा, तो थीटा हमारे पास 0 डिग्री था, तो ये पाई ही आएगा। तो अब यहाँ पर जो सिंपल थीटा विच इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ जेड, ये हमारे पास क्या आता है पाई के इक्वल आता है, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकंड क्वार्टर में प्रिंसिपल आर्गुमेंट किसके इक्वल आता है, देखें यहाँ पर ये हमारे पास क्या आता है पाई माइनस अल्फा आता है, ठीक है। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं, या आप सिंपल अगर इसी कम्प्लेक्स नंबर को देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या होता है माइनस पाई होता है, ठीक है। ये अगर आप देखें इस एक्सिस को, तो ये एक्सिस क्या होता है, ये माइनस पाई होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी ये हमारे पास ये वाला हमेशा पाई बाय टू ही होता है, अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास माइनस पाई होता है। या अगर आप इसको अगर एक ही लाइन समझें, ठीक है, ये इमेजिनरी समझें अगर सेम, तो इसको आप पाई भी कंसीडर कर सकते हैं, इसको माइनस पाई भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप ये वाला, इसको आप पाई भी कह सकते हैं, ठीक है। ये पाई, ये माइनस पाई, ये पाई और ये माइनस पाई, तो ये आप देखें यहाँ पर माइनस पाई ही है। तो अब हम जो ये वाला जो आर्गुमेंट है कैपिटल ए से, यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये हम माइनस पाई भी ले सकते हैं या आप पाई भी ले सकते हैं, जो आप वो अच्छा लगे। तो आप इसमें ये दोनों यूज कर सकते हैं, माइनस पाई भी यूज कर सकते हैं और पाई भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंस ले आने के लिए यहाँ पर मैंने ये माइनस पाई यूज किया, ठीक है, इस माइनस पाई की वजह से। तो अब इस कम्प्लेक्स नंबर को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, पहले ये, अब ये जो है ये ऊपर वाला स्टूडेंट हमारे पास किया है थीटा इज इक्वल टू, ये सिंपल आर्गुमेंट ऑफ जेड है ये वाला, ठीक है, ये पाई आता है। तो यह आ जाएगा, ये आर की वैल्यू है, तो आर इन टू आ जाएगा ये कॉस थीटा, थीटा यहाँ पर पाई है, प्लस अयोटा साइन थीटा, यहाँ पर ये पाई है। और यहाँ पर नीचे हमने यूज किया है ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट, क्योंकि हमने दोनों थीटा के अकॉर्डिंग ही हमने कम्प्लेक्स नंबर को फाइंड करना था। ये आ जाएगा 10 इंटू कॉस माइनस पाई प्लस आयोटा साइन इंटू माइनस पाई।
तो ये आप पाई भी यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस ले आने के लिए यहाँ पर मैंने माइनस पाई यूज किया, तो आप इन दोनों में से कोई एक फाइंड यहाँ पर यूज कर सकते हैं, माइनस पाई भी यूज कर सकते हैं और पाई भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें गिवन है जेड इज इक्वल टू माइनस थ्री आयोटा, ये हमें कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो इसको मैंने पोलर फॉर्म में चेंज करना है, तो उसके लिए पहले हम आर फाइंड करेंगे। तो आर को देखें कैसे फाइंड हमने किया है, ये जीरो का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, यहाँ से हमें आर की क्या वैल्यू मिलती है, थ्री ही मिलती है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देख लें तो हमें थ्री ही मिलता है। तो थीटा यहाँ पर कैसे आता है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो देखें वाई की वैल्यू क्या है, प्लस थ्री आप यूज कर लें या माइनस थ्री यूज कर लें, तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, ये वाई की वैल्यू थ्री, तो थ्री ओवर समथिंग ये हमारे पास, यानी थ्री ओवर जीरो ये हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमें टेन इनवर्स इन्फिनिटी ये हमारे पास क्या होता है, फाइव बाई टू होता है। ठीक है, यहाँ से हमें ये थीटा क्या मिला स्टूडेंट्स, फाइव बाय टू मिला है। अब देखें लेकिन हमें जो कम्प्लेक्स नंबर गिवन था ये माइनस थ्री आयोटा है, लेकिन हमने जो ये फाइंड किया है फाइव बाय टू, ये हमेशा स्टूडेंट्स मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, ये हमेशा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में के लिए ही आएंगे, जो भी आप थीटा फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल इसी को हम कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है थ्री आयोटा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना। तो जो हमने ये एंगल फाइंड किया है फाइव बाय टू, देखिए ये वाला एंगल, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, तो इस कम्प्लेक्स नंबर का ये हमारे पास एंगल है, एंगल ये जो भी हम थीटा फाइंड करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा लाजमी तौर पर, ये आपने याद रखना है। तो फिर आपने अपने कम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग ही थीटा फाइंड करना है फिर आपने, तो ये अब बन जाता है थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू 90 डिग्री, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल कम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ लाई कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है माइनस थ्री आयोटा, जो हमारे पास ओरिजिनल कम्प्लेक्स नंबर है ये यहाँ लाई कर रहे हैं। अब इसके लिए हमने एंगल फाइंड करना हो तो आप देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहे हैं, तो मैंने आपको कहा था कि थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या यूज करते हैं, पाई प्लस थीटा यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या यूज करते हैं, पाई प्लस थीटा यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये है पाई, थीटा हमारे पास क्या है 90 डिग्री है, तो अब ये बन जाएगा एंगल बन जाएगा स्टूडेंट हमारे पास थ्री पाई बाय टू बन जाए, ये भी आप यूज कर सकते हैं, ये हमारे पास अब थीटा की वैल्यू होगी। ठीक है, यानी आप क्या करेंगे, अगर इसमें से ये वाला चाहिए नहीं, हम ये क्या करें 90 पाई पाई बाय टू में से ये पाई ऐड करें, ये टोटल क्या बनता है डिस्टेंस, यानी अगर आप यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं ये टोटल एंगल कितना बनता है, ये टोटल एंगल ये बनता है हमारे पास पाई बनता है, यानी 180 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या था, यहां पर कम्प्लेक्स नंबर था, तो इसको जब हमने रोटेट किया यानी ये बनाने के लिए ये वाला कम्प्लेक्स नंबर, तो हमें क्या करना पड़ा स्टूडेंट्स, पाई को ऐड करना पड़ा। ठीक है, तो ये पाई प्लस पाई बाय टू ये बन जाएगा थ्री पाई बाय टू बन जाएगा। तो अब इस कम्प्लेक्स नंबर के लिए जो हमारे पास यहाँ पर एंगल होगा वो थ्री पाई बाय टू होगा, ये सिंपल आर्गुमेंट ऑफ जेड की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है, लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, ये माइनस पाई बाय टू होगा। देखें ये ऊपर वाला क्या है, ये पाई बाय टू है, तो देखें फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने आपको क्या कहा था कि हम क्या यूज करते हैं, माइनस अल्फा यूज करते हैं, माइनस अल्फा, अल्फा यहाँ पर थीटा है, तो थीटा अगर हम यहाँ पर पुट करें तो ये आता है पाई बाय टू, तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला ये बन जाएगा अब माइनस पाई बाय टू। अब ये माइनस पाई बाय टू क्या है, ये सिंपल प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ थीटा की वैल्यू है, यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, यानी इस कम्प्लेक्स नंबर की जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू आती है ये हमारे पास क्या आती है, माइनस पाई बाय टू आती है। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक हमने ये वैल्यू यूज करनी है थीटा की और हमने एक
प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू यूज करेंगे, ये बन जाएगा थ्री। अब थ्री हमारे पास क्या है, आर की वैल्यू है, तो ये थ्री इंटू कॉस थ्री पाई बाय टू प्लस एटा साइन थ्री पाई बाय टू, यानी पहले हम थीटा को यूज कर रहे हैं फिर हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है माइनस पाई बाय टू प्लस एटा साइन माइनस पाई बाय टू। तो ये हमने इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर गिवन था वो हमारे पास क्या है सिक्स आयोटा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये कम्प्लेक्स नंबर लाइक कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये सिक्स आयोटा है। अब ये देखें ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, तो इसके लिए हमें कोई चेंज नहीं करना। तो इसके लिए हम स्टूडेंट क्या कर सकते हैं कि जो भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा या सिंपल थीट होगा वो बिल्कुल क्या होंगे दोनों सेम होंगे, बिकॉज ये कम्प्लेक्स नंबर इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है, ये कहीं और लाई नहीं कर रहा। अगर कहीं और लाई नहीं कर रहा तो थीटा हमें चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी सेम होंगी। तो देखिए यहाँ पर ये सिंपल हमें थीटा क्या मिलता है, यहाँ से 90 डिग्री मिलता है, तो यही हमारे पास क्या होगा प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा और ये सिंपल क्या होगा आर्गूमेंट भी होगा, ठीक है। सो जेड इज इक्वल टू सिक्स आयोटा, तो यहाँ से अगर हम आर फाइंड करें तो हमें क्या मिलता है सिक्स ही मिलता है। तो थीटा क्या होगा टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, तो वाई की वैल्यू है सिक्स, सिक्स ओवर जीरो, तो ये हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा थीटा यहाँ से पाई बाय टू, ठीक है। तो आप जो सिंपल थीटा है ये आप पाई बाय टू भी यूज कर सकती हैं, और आप स्टूडेंट्स क्या यूज कर सकते हैं कि थीटा आप यहाँ पर ये भी यूज कर सकते हैं पाई बाय टू प्लस टू पाई, ये भी आप यूज कर सकते हैं। ये आपको मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि ये भी सिंपल थीटा की वैल्यू होगी और ये भी सिंपल थीटा की वैल्यू होगी, ठीक है। यानी आप पाई बाय टू भी यूज कर सकते हैं, आप ये भी यूज कर सकते हैं कि पाई बाय टू प्लस टू पाई। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आता है फाइव पाई बाय टू पी, ये भी आप यूज कर सकते हैं सिंपल थीटा के लिए। लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए आपको सिर्फ ये पाई बाय टू ही यूज करना पड़ेगा, बाकी आप कोई वैल्यू यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपल थीटा की जगह ये फाइव पाई बाय टू भी यूज कर सकती हैं, आप सिंपल थीटा की जगह आप ये पाई बाय टू प्लस फोर पाई, ये भी आप यूज कर सकते, ठीक है। जो भी आप यहाँ पर यूज करना चाहें तो ये भी आप यूज कर सकते हैं, ये बन जाएगा नाइन पाई बाय टू, ये भी आप यूज कर सकते हैं। यानी यहाँ पर स्टूडेंट मैं पाई बाय टू भी यूज कर सकता हूँ, फाइव पाई बाय टू भी यूज कर सकता हूँ, नाइन पाई बाय टू भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ये सारी क्या आती हैं थीटा की वैल्यूज आती हैं, ये आपको मैंने अभी स्टार्ट में बताया है। तो यहाँ पर मैंने ये पाई बाय टू ही यूज किया, तो यहाँ पर मैं फाइव पाई बाय टू भी यूज कर सकता हूँ, यहाँ पर ये यूज करूँ तो इससे ये कम्प्लेक्स नंबर क्या होगा इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा पोलर फॉर्म पर। तो z इज इक्वल टू सिक्स आयोटा विच इज इक्वल टू सिक्स इन टू कॉस फाइव पाई बाय टू प्लस आयोटा साइन फाइव बाय टू फाइव पाई बाय टू, और नीचे आ जाएगा ये अब जब हमने ये थीटा यूज किया है कौन सा यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट यूज किया था, तो ये हमारे पास बनेगा सिक्स इन टू कॉस फाइव बाय टू प्लस आयोटा साइन फाइव बाय टू, ये इस क्वेश्चन का ये सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। तो फाइव अब हमें गिवन है स्टूडेंट्स वन प्लस आयोटा, तो देखें ये वन प्लस आयोटा सिंपल यहाँ पर ही लाई करेगा, यानी ये कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्या आता है कि ये वन प्लस आयोटा, बिकॉज वन प्लस आयोटा अब यानी हमारे पास क्या है कि ये पहले क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अब इसकी अगर हम आर फाइंड करें तो ये हमारे पास क्या आता है टू स्क्वायर रूट आता है, और थीटा हमारे पास यहाँ पर देखें क्या आता है वो आता है फाइव बाय फोर, बिकॉज वाई भी वन है और एक्स भी वन है, तो टेन इनवर्स वन वो हमारे पास क्या होता है फाइव बाय फोर होता है। तो देखें यहाँ पर ये जो थीटा आता है ये थीटा ये हमारे पास क्या आ रहा है फाइव बाय फोर आ रहा है, ठीक है। तो ये अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी यही होगा, यानी जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हम ले रहे हैं सिंपल
ये जो हम कैपिटल ए से शुरू करते हैं यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। अब ये स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, ये पाई बाय फोर ही होगा, इसके अलावा आप कोई यूज और वैल्यू यूज नहीं कर सकते। लेकिन आप सिंपल जो थीटा होगा, थीटा जिसको हम कह रहे हैं स्मॉल ए से शुरू करते हैं, इसको हम आर्गुमेंट ऑफ जेड भी कहते हैं, तो इसके लिए आप डिफरेंट वैल्यू यूज कर सकती हैं। क्या यूज कर सकती हैं आप, पाई बाय फोर भी यूज कर सकती हैं, अगर इसके साथ आप प्लस टू पाई कर लें वो भी आप वैल्यू यूज कर सकती हैं, अगर आप पाई बाय फोर के साथ फोर पाई ऐड कर दें तो वो भी आप यूज कर सकते हैं फोर पाई। ठीक है, हमें स्टूडेंट पता है कि जो टू पाई होता है, टू पाई क्या होता है, ये कंप्लीट एक यानी रेवोल्यूशन होता है। ठीक है, कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ से शुरू हो गए हैं, यहाँ से तो आप ये कंप्लीट जब आप ये कर लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं, ये टोटल क्या बन जाता है, टू पाई बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप पाई बाय फोर भी यूज कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर मैंने अब ये थीटा यूज किया है नाइन पाई बाय फोर, तो आप पाई बाय फोर भी यूज कर सकते हैं, इस तरह आप पाई बाय फोर प्लस टू पाई भी यूज कर सकती हैं, पाई बाय फोर प्लस फोर पाई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये यूज किया है नाइन पाई बाय फोर, यानी ये थीटा की वैल्यू है, तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया आर की वैल्यू, आर की वैल्यू हमारे पास क्या आती है टू स्क्वायर रूट इन टू कॉज नाइन पाई बाय फोर प्लस एटा साइन नाइन पाई बाय फोर। और जब हमने ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट, ये क्या होता है यूनिक वैल्यू, ये आप चेंज नहीं कर सकते, ये पाई बाय फोर ही आएगा, तो टू स्क्वायर रूट इन टू कॉस पाई बाय फोर प्लस एटा साइन पाई बाय फोर, तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। अब हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, अब इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। तो इसका सोल्यूशन अब ये हमें गिवन है स्टूडेंट्स, जेड इज इक्वल टू फाइव माइनस फाइव आयोटा, तो पहले हम इसकी आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आती है फाइव टू स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास आर की वैल्यू आ चुकी है। अब थीटा क्या होगा तो देखते हैं, यहाँ पर फाइव ओवर एक्स, तो वाई भी फाइव है और एक्स भी फाइव है, तो थीटा हमारे पास क्या आ गया 45 डिग्री आ गया। यानी अब ये जेड है फाइव माइनस फाइव आयोटा, तो जो हमने ये फाइंड किया थीटा ये अब हमारे पास आ चुका है, फॉर एग्जाम्पल ये कम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू फाइव प्लस फाइव आयोटा। ठीक है, यानी अगर ये यानी जो ये वाला कम्प्लेक्स नंबर है अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करे तो ये हो जाएगा फाइव प्लस फाइव आयोटा हो जाएगा, लेकिन ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है जो रिक्वायर है वो हमारे पास क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, जिसके लिए हमने यानी पोलर फॉर्म फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है फाइव माइनस फाइव आयोटा। लेकिन जो हमने ये थीटा फाइंड किया है ये हमारे पास क्या है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आया, ये हमारे पास क्या आया फाइव बाय फोर, तो ये आप सिंपल थीटा यूज कर सकते हैं, थीटा अब ये यूज नहीं कर सकते सॉरी। तो अगर आपने थीटा यूज करना हो तो आप ये वाला हमने फाइंड करना है, अब ये वाली वैल्यू क्या होगी, तो मैंने आपको पहले बताया था अगर के कोई कम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये हमने फाइंड किया है इस कम्प्लेक्स नंबर के लिए। ठीक है, ये भी आप जो भी कम्प्लेक्स नंबर आप यूज करेंगे आप वो वैल्यूज यानी थीटा की आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही फाइंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप फिर अपना कम्प्लेक्स नंबर देखते हैं फिर उसके मुताबिक थीटा फाइंड करते हैं। ठीक है, ये अब थीटा जो वैल्यू है पाई बाय फोर ये इस कम्प्लेक्स नंबर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ये सिर्फ इस कम्प्लेक्स नंबर के लिए एक्सेप्टेबल है। अब इसके लिए क्या होगी, हमने प्रीवियस देखा कि फार्मूला यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं टू पाई माइनस थीटा, अब यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी ये किसके इक्वल होगा टू पाई माइनस थीटा के इक्वल होगा, तो टू पाई माइनस थीटा अगर आप देखें तो ये हमारे पास बनता है टू पाई माइनस थीटा हमारे पास है पाई पाई फोर, तो ये बन जाएगी वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास
8 माइनस 1 ये बन जाएगी 7 पाई बाय 4, यानी अब जब आप यहां से होते हुए यहां तक आएंगे तो ये बन जाएगी वैल्यू 7 पाई बाय हमारे पास क्या है 4। अब ये हमारे पास क्या होगी थीटा की वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिंपल थीटा ये भी आप यूज कर सकते हैं। और यहां पर जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू होगी यानी ये वाली प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो वो हमने देखा था कि वो होता है यहां पर माइनस अल्फा के, ठीक है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो ये अल्फा देखें यहां पर क्या है थीटा, ये पाई बाय 4 है, तो यहां पर ये जो वैल्यू होगी थीटा की ये वाली वैल्यू, ये अब वैल्यू होगी प्रिंसिपल आर्गुमेंट की, ये होगी माइनस पाई बाय 4। ये स्टूडेंट यूनिक वैल्यू होगी, ये हम यूज करेंगे कौन सी वैल्यू प्रिंसिपल आर्गुमेंट की, ये वैल्यू यहां पर मैंने लिखी है ये क्या है माइनस पाई बाय 4 है, ठीक है। तो अब यहां पर हम ये 7 पाई बाय 4 भी यूज कर सकते हैं, तो ये भी आप थीटा यूज कर सकते हैं, थीटा आप और भी यूज कर सकते हैं, थीटा आप यूज कर सकते हैं 7 पाई बाय 4 ये भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें 2 पाई ऐड कर दें तो ये भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब थीटा, अब ये क्या बन जाएगा 8 प्लस 7 तो ये बन जाएगा 15, 15 पाई बाय 4 भी यूज कर सकते हैं, ये 7 पाई बाय 4 भी यूज कर सकते हैं। तो देखें यहां पर तो आर्गुमेंट ऑफ जेड की वैल्यू है स्टूडेंट्स ये माइनस पाई बाय 4, और यहां पर जो है यहां पर आना था स्टूडेंट्स हमारे पास 7, तो 9 की जगह आपको यहां पर क्या आना है 7, तो यहां पर भी 7। ये सिंपल थीटा की वैल्यू, ये क्या सिंपल थीटा की वैल्यू है, और जो माइनस पाई बाय 4 है ये सिंपल आर्गुमेंट ऑफ जेड की वैल्यू यानी जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट था ये उसकी वैल्यू। तो उसके लिए फार्मूला क्या था, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये माइनस पाई वाला था यानी माइनस थीटा वाला था, और सेकंड के लिए क्या था स्टूडेंट हमारे पास, तो थर्ड के लिए हमारे पास देख लेते हैं प्रीवियस स्लाइड्स पर। तो यहां पर सेकंड के लिए क्या था पाई माइनस अल्फा था, थर्ड के लिए क्या था माइनस पाई प्लस अल्फा था, और फोर्थ में अगर हमने फाइंड करना हो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये क्या होता है माइनस अल्फा, और फर्स्ट क्वार्टर में यही अल्फा पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहां पर आगे यूज कर रहे हैं इन फॉर्मूलाज। तो अब यहां पर हम ये थीटा की वैल्यू जो सिंपल थीटा है वो हम 7 पाई बाय 4 यूज करेंगे, और जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है ये हम यूज करेंगे माइनस पाई बाय 4। तो हम फिर इस कम्प्लेक्स नंबर को इन फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये दो फॉर्म्स, ये दोनों पोलर फॉर्म्स हैं इसी कम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें भी हमने क्या करना है पोलर फॉर्म फाइंड करनी थी, तो ये हमें गिवन है अब माइनस 3 स्क्वायर रूट प्लस एटा, यहां से अगर आप आर फाइंड करें तो आर की यहां पर हमें वैल्यू क्या मिलती है 2 मिलती है, ठीक है। तो आर की वैल्यू हमें 2 मिल चुकी है, अब हम थीटा फाइंड करते हैं, तो थीटा हमारे पास क्या होता है टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, तो वाई हमारे पास है 1 और एक्स की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर रूट, तो यहां से हमें थीटा क्या मिलता है स्टूडेंट्स ये पाई बाय 6 की वैल्यू मिलती है। अगर मैं इस कम्प्लेक्स नंबर को देखूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये हमारे पास आएगा यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये जेड है हमारे पास माइनस 3 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा, ये सॉरी प्लस यहाँ पर हमें प्लस 3 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा, तो यहां पर हमने ये फाइंड किया है ये हमारे पास एंगल आया है पाई बाय 6। लेकिन जब हम अपने इस कम्प्लेक्स नंबर को देखते हैं ये जो हमें गिवन था माइनस 3 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा, तो ये हमारे पास क्या आता है सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, ये इस क्वाड्रेंट में लाइक कर ये है माइनस 3 स्क्वायर रूट फॉर एग्जाम्पल प्लस आयोटा। लेकिन हमने जो यहाँ पर एंगल फाइंड किया है ये 5 बाय 6 फाइंड किया है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये होता तो लेकिन अब ये तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट में मिला है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे थीटा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे पाई माइनस थीटा यूज करेंगे। यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हमारे पास क्या होगा
theta is equal to pi minus theta. तो देखिए pi हमारे पास pi यहाँ पर आ जाएगा और theta हमारे पास क्या है, ये pi by 6 है. तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, हमें ये 6 pi minus pi ये बन जाएगा 5 pi over 6. ठीक है, तो यहां पर ये जो एंगल होगा यहां पर ये होगा 5 pi by 6 होगा. ये हमें थीटा की वैल्यू मिली है. ठीक है, ये हमें 5 pi by 6 ये हमारे पास क्या है, थीटा की वैल्यू. अब हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करते हैं. तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या था स्टूडेंट हमारे पास, वो सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या यूज करते हैं कि पाई यानी माइनस पाई प्लस अल्फा यूज करते हैं. ठीक है, तो ये बन जाएगा अब माइनस पाई प्लस थीटा हमारे पास क्या है, 5 pi/6 है. तो इस सूरत में ये वन क्या बन जाएगा, सॉरी थीटा हमारे पास क्या है, 5 pi/6 है, यहाँ पर 5 नहीं है. तो यह बन जाएगा माइनस 5 pi/6. तो ये हमारे पास क्या होगी, ये सिंपल प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू होगी. यहाँ पर ये माइनस 5 by 6 आना था, ये आर्गुमेंट ऑफ सेट. ठीक है, तो ये हमारे पास हम ये पॉजिटिव भी यूज कर सकते हैं 5 pi/6, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं माइनस 5 pi/6 भी आप यूज कर सकते हैं. तो ये बन जाएगी, यहाँ पर ये वैल्यू बन जाएगी 5 pi/6. तो आप स्टूडेंट्स जो ये हमारे पास है कि 5 pi/6 भी यूज कर सकते हैं थीटा, थीटा आप क्या यूज कर सकते हैं, 5 pi/6 भी आप यूज कर सकते हैं. इसके अलावा आप इसमें अगर आप प्लस करते हैं 2 pi तो वो भी आप यूज कर सकते हैं. इन दोनों डिफरेंट इन वैल्यूज को डिफरेंट बनाने के लिए हम ये यूज कर रहे हैं. यह बन रहा है हमारे पास 17 pi by 6. यहाँ पर हमने ये यूज की थीटा, तो आप ये 5 pi/6 भी यूज कर सकते हैं. यहाँ पर ये हमने डिफरेंट यहाँ पर वैल्यूज लिख ली है. तो ये हमारे पास दोनों क्या होंगे, इसी कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म ही है. ठीक है, ये दोनों पोलर फॉर्म है, ये वाली पोलर फॉर्म है, इसकी ऊपर वाली भी पोलर फॉर्म हो सकती है, नीचे वाले भी किसी कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म हो सकती है. तो नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8. यहाँ पर हमें गिवन है जेड इज इक्वल टू -2 -2 3√i. पहले आप इसका आर फाइंड कर लें, तो आर इसका क्या आता है हमारे पास 4 आता है, हमने 4 फाइंड कर लिया. फिर हम थीटा फाइंड करते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू 10 inverse -2 3√(-2). यहाँ से हमें थीटा क्या मिलता है स्टूडेंट्स, 5/3 मिलता है. अब ये जो थीटा है स्टूडेंट्स, जब ये कम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो हमें थीटा क्या मिलेगा, 5/3 मिलेगा. फॉर एग्जांपल अगर हम किसी कम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, ये हमारे पास जेड इज इक्वल टू, जब वही कम्प्लेक्स नंबर जब पहले क्वाड्रेंट में होगा, यानी ये क्या आता है यहाँ पर 2 + 2 3√iota. जब ये कम्प्लेक्स नंबर पहले क्वाड्रेंट में होगा, तो उस वक्त यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, थीटा मिल रहा है 5/3. ठीक है, लेकिन अब ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जो हमें रिक्वायर था क्वेश्चन. ठीक है, हमने जो फाइंड किया था थीटा, वो हमने फाइंड किया था पहले के लिए, कि अगर वही कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो उसके लिए थीटा हमारे पास क्या ना था, क्या आ रहा था, 5/3 आ रहा था. लेकिन अब ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए अब थीटा की वैल्यू क्या होगी. तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या यूज करते थे, पाई प्लस थीटा, ये फॉर्मूला हम यूज करते थे थीटा फाइंड करने के लिए. यहां से थीटा क्या होगा, पाई में आप 5/3 ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये 4 pi/3 बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 pi/3. तो ये आप थीटा यूज करेंगे यहाँ. ठीक है, ये वैल्यू भी आप यूज कर सकते हैं,
इसके अलावा देखें ये थीटा की वैल्यू आ चुकी है 4π/3, और जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये हम लेंगे 2π/3 लेंगे, ठीक है। ये हम यूज करें यहाँ पर जो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हमने फार्मूला यूज करना था, थीटा माइनस पाई, ठीक है, ये यानी माइनस पाई प्लस थीटा, ये फार्मूला था प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आती है -2π/3, ये वैल्यू हमारे पास क्या आती है, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू आती है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू होगी वो हमारे पास -2π/3 होगी, और जो सिंपल थीटा की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, 4π/3 होगी यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। और ये हमने दो डिफरेंट वैल्यूज निकाली थी, तो यहाँ पर हमने ये वैल्यूज पुट कर दी, तो ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, इसी कम्प्लेक्स नंबर की ये पोलर फॉर्म आ चुके हैं, ठीक है। तो आप इस तरह इनको आप ड्रॉ भी कर लें, तो आप यानी जो भी हम ये थीटा वगैरह फाइंड करते हैं वो हम कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो उसका हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही फाइंड करते हैं, फिर हम अपने कम्प्लेक्स नंबर के मुताबिक थीटा की वैल्यू चेंज करते हैं और आर्गुमेंट ऑफ जेड की वैल्यू भी चेंज करते हैं बाय यूजिंग फार्मूलास। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। तो अब हमें इस कम्प्लेक्स नंबर को पहले a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, यानी हमें 3/-1 प्लस आयोटा की फॉर्म ही है, तो पहले हम इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे -1 -iota से। यहाँ पर हम आयोटा की वैल्यू यहाँ पर जो साइन होगा वो चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आता है स्टूडेंट जेड इज इक्वल टू -3/2 -3/2 iota। तो अब हम यहाँ से आर फाइंड कर सकते हैं, या हमें अब ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में मिल चुका है, तो यहाँ से हम आर फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3/2 square root आएगा, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 10 inverse, ये देखें y/x, तो ये y/x है, तो ये यहाँ से बनता है θ = π/4। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने ये बनना था यहाँ पर -3/2, ओवर आना था -3/2। जब आप इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगी इस फॉर्म में -3/2 cross -2/3, यहाँ से हमें क्या मिलता है 1 मिलता है, तो थीटा यहाँ से क्या मिल जाएगा π/4 मिल जाएगा। यानी अगर हम इसी कम्प्लेक्स नंबर को फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें, ठीक है, यहाँ पर ये कम्प्लेक्स नंबर ऑफ जेड, यानी यही कम्प्लेक्स नंबर है अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी ये दोनों ये अब यहाँ पर दोनों नेगेटिव हैं, तो ये अब थर्ड में लाइक कर रहे हैं जो रिक्वायर है, लेकिन हमने जो थीटा फाइंड किया है वो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए फाइंड किया, यहाँ से हमें क्या मिला है थीटा क्या मिला है π/4 मिला, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन अब हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, कहाँ पर है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या करेंगे थीटा की वैल्यू चेंज करेंगे, तो थीटा यहाँ पर क्या होता है π + θ, तो π/4 + π ये क्या बन जाएगा 5π/4 बन जाएगा, तो थीटा क्या आता है 5π/4 आता है। और आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या आएगा, यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, वो यहाँ पर क्या आता है स्टूडेंट्स, यानी -π, यानी इसका फार्मूला है -π + θ, तो ये वैल्यू आती है -3π/4 आती है। तो यहाँ पर हम ये यूज कर लेंगे, यानी आप यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है 5π/4 ये भी आप यूज कर सकती हैं, इसके साथ अगर आप 2π ऐड कर दें तो वो भी आप सिंपल थीटा की जगह यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सिर्फ 5π/4 ही यूज किया है, यहाँ पर हमने ये 3π/4 यूज किया, ये यूनिक वैल्यू होती है, ये चेंज नहीं होती, लेकिन हम थीटा की वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, अगर आप 2π ऐड करते जाएंगे तो वो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, तो वो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का यही सोल्यूशन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें भी हमने इसी कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो
तो पहले हम इसको यानी सिंपल a प्लस एटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे 3 स्क्वायर रूट माइनस एटा से। देखिए मल्टीप्लाई भी हमने यहाँ पर किया है और डिवाइड भी किया, तो इसको जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 इनटू 3 स्क्वायर रूट माइनस एटा ओवर 4। तो ये 4 से ये 12 कैंसिल, तो ये हमारे पास आता है 3 इनटू 3 स्क्वायर रूट माइनस एटा। तो ये हमारे पास अब कम्प्लेक्स नंबर कन्वर्ट होके इस फॉर्म में आ चुका है। तो यहाँ से हमने आर फाइंड किया, तो आर हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। और फिर हमने स्टूडेंट जब थीटा फाइंड किया तो थीटा हमें मिला 5/6। तो अब ये हमने जो थीटा फाइंड किया ये है इस कम्प्लेक्स नंबर का पहले क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू, यानी जब ये कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो उस वक्त ये थीटा जो हमने फाइंड किया है वो है 5/6 है। लेकिन अब जो हमारे पास रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड देखें, ये है 3 स्क्वायर रूट माइनस 3 होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकर, लेकिन जो हमें गिवन क्वेश्चन में था कम्प्लेक्स नंबर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम थीटा फाइंड करने के लिए, थीटा फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, 2π में से थीटा आप माइनस करते हैं, तो 2π माइनस 5/6, तो ये बन जाएगा 11π/6। आप ये भी यूज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर थीटा क्या है, 11π/6 है, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप 2π ऐड कर दें तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। और जो हमारे पास था प्रिंसिपल आर्गुमेंट था, तो वो यहाँ पर क्या होता है, माइनस थीटा के इक्वल होता है, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू है इस फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर 5/6 था, तो यहाँ पर ये बन जाएगा -π/6 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगी, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू होगी, और ये जो होगी सिंपल थीटा की वैल्यू होगी 11π/6। ये भी आप यूज कर सकते हैं, अगर आप इसके साथ 2π ऐड करते जाएं या 4π ऐड कर दें तो वो भी आप थीटा की वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपल 11π/6 यूज की है, तो अब ये इसकी कम्प्लेक्स नंबर की ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म्स, ठीक है। ये भी पोलर फॉर्म बन सकती है इसी कम्प्लेक्स नंबर की, जो नीचे वाली है ये भी कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बन सकती है, ये दोनों में से आपको एक, लेकिन क्वेश्चन में हमने ये दोनों फॉर्म बनाने से, ठीक है, जब हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा यूज करें या हम सिंपल थीटा यूज करें, तो दोनों सूरतों में हमने इन कम्प्लेक्स नंबर्स की पोलर फॉर्म बनानी थी, ठीक है। तो ये थे 10 क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। तो इन प्रॉब्लम्स 11 एंड 12 यूज अ कैलकुलेटर टू राइट द गिवन कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। तो इसमें भी हमने एक दफा थीटा फाइंड करना है और एक दफा हमने सिंपल प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, ये है -2√+7√iota। तो पहले हम स्टूडेंट्स यहाँ से आर फाइंड कर लेते हैं, तो आर यहाँ से हमें क्या मिला है, 3 मिला है, और थीटा यहाँ से देखें तो थीटा यहाँ से है 10 inverse 7√/2√, यहाँ से आ जाएगा 7/2√। तो यहाँ से अगर हम बाई यूजिंग कैलकुलेटर आकर आप यूज करें तो यहाँ से हमें थीटा क्या मिलता है, 61.87 डिग्री। तो ये हमें, अगर ये कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता तो ये अब थीटा क्या आना था, 61.87 डिग्री। यानी यहाँ पर अगर मैं इस कम्प्लेक्स नंबर को देखूं, अगर मैं यही कम्प्लेक्स नंबर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए तो ये आ जाएगा 2√+7√iota आ जाएगा, यानी 2√+7√iota, ये यही कम्प्लेक्स नंबर क्या आ जाएगा, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो उसके लिए हमें जो थीटा मिला है, ये मिला है हमें 61.87 डिग्री मिला है, ठीक है स्टूडेंट। बाय यूजिंग कैलकुलेटर मैंने ये वैल्यू फाइंड की है, तो ये मेरे पास आई है 61.87 डिग्री। बट अब ये जो कम्प्लेक्स नंबर था, ये वाला क्वेश्चन वाला था, ये तो हमारे पास अब क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर। तो सेकंड क्वाड्रेंट हम कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, हम देखें सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, या जो रियल एक्सिस होता है वो नेगेटिव होता है, और इमेजिनरी एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
यहां से मैंने ये जो रियल एक्सेस था ये नेगेटिव था तो इसलिए, और ये देखें ये पॉजिटिव था इमेजिनरी एक्सेस, तो इस वजह से मैंने ये, अब ये मैंने बता दिया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। तो ये अब देखें ये आता है यहाँ पर माइनस टू स्क्वायर रूट प्लस सेवन स्क्वायर रूट आयोटा। लेकिन हमने वैल्यू ये जो डिग्री फाइंड किया था, ये जो थीटा हमने फाइंड किया था ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए था, लेकिन अब अगर हमने सेकंड के लिए फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यूज करते हैं पाई माइनस थीटा यूज करते हैं फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर मैंने यूज किया है तो थीटा यहाँ पर इक्वल है पाई माइनस थीटा, ये हमारे पास थीटा है तो यहाँ से ये मिला हमें थीटा इज इक्वल टू 118.13 डिग्री। ठीक है, ये हमें थीटा की वैल्यू मिली, यहाँ पर ये जो थीटा आना था ये हमारे पास है 118.13 डिग्री, ये हमारे पास अब थीटा की वैल्यू आ चुकी। तो इसके साथ आप 2π भी ऐड कर सकते हैं या ना करें तो फिर आप ये सिंपल यही वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2π ऐड कर दिया था तो ये भी वैल्यू मैं यूज कर सकता हूँ, यानी मैं यहाँ पर मैंने 2π ऐड कर दिया था तो मैं ये भी थीटा की वैल्यू यूज कर सकता हूँ। तो ये जो हमें ये वैल्यू मिली है तो ये भी वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या था सेकंड डिग्री के लिए, सेकंड जो हमारे पास था सेकंड क्वाड्रेंट में, ये जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है वो हमारे पास क्या आता है यहाँ पर पाई प्लस थीटा आता है। ठीक है, तो पाई प्लस थीटा देखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, जब आप इसी 61.87 डिग्री में पाई ऐड करते हैं, यानी जब आप 180 डिग्री प्लस करते हैं आप स्टूडेंट्स हमारे पास 61.87 डिग्री, तो जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या होगी, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू नहीं आएगी तो ये तो वैल्यू हमने हमारे पास सिंपल थीटा की वैल्यू है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपने कैलकुलेट कर लेना ये वैल्यू। ठीक है, ये भी 180 डिग्री है और इसमें आपने ये 61.87 डिग्री आपने ऐड करके जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो तो आपने यहाँ पर लिख देनी है यहाँ पर। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर नहीं आनी, तो यहाँ पर ये स्टूडेंट जो यहाँ पर आपने लिखना है कौन सी वैल्यू, ये आपने लिखनी है कि थीटा की वैल्यू। ठीक है, 118.13 डिग्री, इस तरह यहाँ भी आपने लिखना है 118.13 डिग्री। ठीक है, आप फिर आपने ये वैल्यू आपने फाइंड करके ना ये वैल्यू इनको आप ऐड करके यहाँ पर आप वैल्यू जो भी आएगी वो तो आपने यहाँ पर लिखनी है, तो ये इस कम्प्लेक्स नंबर की हमारे पास क्या होंगे रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, तो इसमें भी हमने बाय यूजिंग कैलकुलेटर हमने फाइंड करना है। तो हमें ये कम्प्लेक्स नंबर गिवन था तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने आर की वैल्यू फाइंड की वो हमारे पास क्या आ गई 13, और थीटा मैंने फाइंड किया तो ये हमारे पास आ गया 22.62 डिग्री। अगर हम इसी कम्प्लेक्स नंबर को मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखूं, ठीक है ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर ये कम्प्लेक्स नंबर की जो हमारे पास थीटा आ रहा था वो आ रहा था 22.62 डिग्री, लेकिन जो रिक्वायर हमारे पास है कम्प्लेक्स नंबर है जो क्वेश्चन में है वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, लेकिन ये है -12 -5 आयोटा। तो ये हमें कैसे पता चला कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो देखिए यहाँ पर जो रियल पार्ट है वो भी नेगेटिव है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी नेगेटिव है, तो अगर ये दोनों नेगेटिव हों तो वो हमारे पास कौन सा होता है थर्ड क्वाड्रेंट होता है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो लेकिन हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये वैल्यू हमने फाइंड की यहाँ पर थीटा हमने फाइंड किया वो 22.62 डिग्री था, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अब देखें हम कौन सा यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे पाई प्लस थीटा यूज करें। जब आपने पाई प्लस थीटा यूज किया देखें ये यहाँ पर हमारे पास ये आता है 202.62 डिग्री, तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आती है। देखिए यहाँ पर ये थीटा की हमने वैल्यू निकाल ली। अब हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करते हैं, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, ये होता है
माइनस पाई प्लस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैंने ये फाइंड किया है माइनस पाई प्लस थीटा, तो ये मेरे पास आते हैं माइनस 157.38 डिग्री। तो ये मेरे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू आती है। यहाँ पर आप ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू लिख लें तो ये इस कम्प्लेक्स नंबर की ये रिक्वायर्स पोलर फॉर्म्स। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।